पंजाबी गायक ते मशहूर अदाकार एमी विर्क एनी ने विवादा च घिर गए ने ते उन्हां दीआं मुश्किलां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने। दस दईए कि इह विवाद एमी विर्क दीआं कुछ दो तीन फिल्मां नूं लै के हो रहा है जिन्हां दा लोकां दे वल्लों तिखा विरोध किया जा रहा है। दस दईए कि हाल ही च एमी विर्क दी पुआड़ा फिल्म सिनेमाघर च रिलीज़ हुई है। 12 अगस्त नूं सिनेमाघर च रिलीज़ हुई इस फिल्म का कुछ लोगों वल्लों विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एमी विर्क किसान विरोधी जी मीडिया दीआं फिल्मां च काम कर रहे हैं, इसलिए उसका बायकाट होना चाहिए। उत्थे ही फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार एमी विर्क लई पोस्टा पा के उन्हां दा समर्थन भी कर रहे हैं। हाल ही च डिजनी प्लस हॉटस्टार से 13 अगस्त नूं एमी विर्क की अजय देवगन नाल फिल्म बुज रिलीज हुई है। इस फिल्म च एमी विर्क का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एमी ने फिल्म च अजय देवगन नाल काम किया जिसने किसान विरोधी होने का सबूत दिता है। इस तो इलावा हाल ही च एमी विर्क की आगामी फिल्म किस्मत 2 का भी टीजर रिलीज होया जिसते भी लोगों नूं इतराज है। दरअसल यह फिल्म भी जी स्टूडियो वालों प्रोड्यूस की गई है जिसके चलद एमी लोगों के तिखे विरोध का शिकार हो गए ने। रणजीत बावा ने एक पोस्ट साझी की है। रणजीत बावा ने लिखा है जी न्यूज़ के शो च मैं नहीं गया, वह मेरा ते मेरी टीम का फैसला सी क्योंकि किसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता सी नहीं जाना। कुछ कु दिन की एक पोस्ट वायरल हो रही है बॉलीवुड की किसी आने वाली फिल्म को लैके, उसकी मेरे जा मेरी टीम तक कोई जानकारी नहीं है। दस दें कि कई होर कलाकार जिमें रणजीत बावा, रेशम सिंह अनमोल, तानिया, जगदीप सिद्धू, गिल रौंता, जस्सी गिल ते कई होर कलाकार ने भी पोस्ट पा के एमी विर्क का समर्थन किया। एमी विर्क की गल करिए पहले दिन तो ही किसानी संघर्ष नाल जुड़े हुए ने, पर हुण इन्हां फिल्मां दे कारण एमी विर्क दीआं मुश्किलां वध गईआं ने। जेकर देखा जाए तो एमी विर्क वल्लों एक निजी चैनल नूं दित्ती गई इंटरव्यू विच भी अपने सही होण दी गल भी आखी गई है ते मुआफ़ी तक भी मंग ली है। इस दौरान एमी विर्क थोड़े भावुक होंदे भी नज़र आए, पर हुण देखना ही होवेगा कि लोग पहला वांग ही एमी विर्क नूं अपना प्यार देणगे जां पूरी तरह उन्हां दा बायकाट कर देणगे। इस ते नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडोस टीवी, आस्ट्रेलिया।